और यहाँ पर एक भाई आया है मिलने के लिए। मेरा मोटो ब्लॉग रिशो के नाम से चैनल हुआ, तुम्हारा क्या नाम हुआ? हे गाइस, गुड मॉर्निंग सबको। और अभी अपने बाइक का इंजन वार्म अप हो रहा है क्योंकि ठंडा आ चुका है। तो सुबह सुबह जब भी बाइक को स्टार्ट करना है तो 2 मिनट के लिए कम से कम इंजन को स्टार्ट करके उसके आइडियल आरपीएम पर छोड़ दें। तो गाइस, बाइक वार्म अप हो गया है, अब चलो अपने आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और मैं निकल रहा हूँ अभी अपने घर से। हेलो, कैसे हो? ठीक है। देखो ये लोग मेरे गली का सब बच्चा लोग है, ये लोग भी यूट्यूब बनाता है, ये लोग का भी प्रमोशन जल्दी होगा। yes. ठीक है, चलो मिलते हैं तुम लोग से। तो ये सब अपने गली के बच्चे हैं जो कि गेमिंग वीडियोस बनाते हैं। तो गाइस, सबको गुड मॉर्निंग और हैप्पी छठ पूजा। मैं रिशु स्वागत करता हूं आप लोग का अपने चैनल मोटो ब्लॉग रिशु में। और आज का जो वीडियो है वो मैं एक ब्लॉग शूट कर रहा हूं अपने रामगढ़ कैंट का। तो मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूं कहां कहां रामगढ़ में अपना घाट बना है छठ पूजा के लिए, उसी का आप लोग को भी दिखाते हैं कैसा घाट बना है, क्या क्या व्यवस्था किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं विकास नगर में, जो जारा बस्ती है, जारा बस्ती का डैम, वहाँ पर भी घाट बनता है। तो सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं कैसा बना है। तो गाइज, हम लोग आ गए हैं यहाँ पर जारा बस्ती के डैम के पास। यहाँ से अपने को टर्न ले लेना है। देख लो यहाँ पर तैयारी कितना अच्छा चल रहा है, यहाँ पर बैनर वगैरह लगाया जा रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे चल कर देखते हैं क्या क्या चीज़ किया गया है घाट पर। देख सकते हो गाइज, यहाँ पर टेंट वगैरह लगाया हुआ है, म्यूज़िक सिस्टम लगाया हुआ है। और यही है डैम जहाँ पर आज छठ पूजा सेलिब्रेट किया जाएगा। तो चलो, एक तो आपने देख लिया यहाँ पर होगा, शाम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा। जितने भी विकास नगर चारा टोला के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो लोग सब यहीं पर आते हैं पूजा करने के लिए। दोस्तों, जो दूसरा जगह है उसको हरहरी नदी बोलते हैं विकास नगर में, वहाँ पर भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलो अब वहाँ चल कर आपको दिखाते हैं कैसा घाट बना है। ये है गाइज अपने विकास नगर गौशाला का दुर्गा मंदिर, जहाँ दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। अभी भी देख लो तैयारी चल रहा है, लाइट वगैरह लगाया जा रहा है, शाम का तैयारी पूरा चल रहा है। तो मतलब शाम होते होते गाइज यहाँ पर पूरी तरीके से सजा दिया जाएगा, इस रोड को पूरा सजा दिया जाएगा लाइट के साथ। आज है शाम वाला अर्घ और कल होगा सुबह वाला अर्घ। तो छठ पूजा का वाइब्स ही देखो, यहाँ SKV स्कूल काफ़ी फेमस स्कूल। तो गाइज मैं बोल रहा था छठ पूजा का वाइब्स ही कुछ अलग होता है यार। जब भी आने वाला होता है तो उसके 10 दिन पहले से ही एक अलग सा माहौल बनने लगता है। सभी लोगों के घर पे गाना वगैरह बजने लगता है छठ पूजा का, और काफ़ी अच्छा लगता है छठ पूजा में। और दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर जो हरहरी नदी पर घाट बनता है वहाँ पर। और देख सकते हो यहाँ का जगह, और देख सकते हो यहाँ का व्यवस्था, लाइट वगैरह लगाया हुआ है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है गाइस। हरहरी नदी में तो और भी अच्छा सजावट किया गया है। दामोदर बोल रहा हूँ, मतलब जारा बस्ती वाला डैम के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा अच्छा व्यवस्था है। देख रहे हो साउंड का भी पूरा व्यवस्था किया हुआ है। और जिनके जिनके घर में छठ हो रहा है, बाकी जो भी लोग यहाँ पर इस घाट को बनाने में लगे हुए हैं, वो देख सकते हो कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि शाम होते होते इस घाट को पूरी तरीके से एकदम बढ़िया बना दिया जाएगा सबके घूमने के लायक और पूजा करने के लायक। गाइस आप देख रहे हो कितना अच्छा से सब भैया लोग मिलके यहाँ पर घाट को बना रहे हैं। और यहाँ पर शाम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है छठ पूजा सेलिब्रेट करने के लिए। तो चलो आप लोग को अब एक और मेन जगह लेकर चलते हैं जहाँ पर कि और भी अच्छा व्यवस्था किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं कहाँ का बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग विकास नगर से वीडियो को देख रहे हो तो। तो दोस्तों, वो है अपना बिजुलिया तालाब रोड, बिजुलिया तालाब का घाट। तो आप लोग अभी वहाँ लेकर चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कैसा घाट तैयार हुआ है। इसी रोड को गाइज नहीं बनाया जा रहा है, ये रोड बन जाता तो अपने विकास नगर आने के लिए काफ़ी बढ़िया हो जाता, क्योंकि बाकी सब ठीक है, बस इसी रोड पे जब बारिश वगैरह हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। तो इसको जल्द से जल्द बनाना चाहिए गाइस। और आप देख सकते हो वहाँ तक रोड बना हुआ है, वहाँ तक बना हुआ है, बस इतने दूर पे ही पुल तक जो रोड है वो नहीं बना है। तो ये सब हो जाएगा तो और भी अच्छा लगने लगेगा अपना विकास नगर। ये बिजुलिया तालाब हो गया, इधर से भी रास्ता है, हम लोग मेन गेट से चलते हैं।
और दिखाते हैं आपको कि बिजुलिया तालाब पे कितना अच्छा व्यवस्था किया हुआ है और कैसा लग रहा है बिजुलिया तालाब। वैसे तो दोस्तों बिजुलिया तालाब का जो लुक है वो रात में निकल कर आएगा, जब शाम में लोग जाएंगे और सारा लाइट जलेगा, थोड़ा अंधेरा टाइप का हो जाएगा तभी। बट उस टाइम वीडियो को शूट करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है, इसलिए मैं दिन में कर रहा हूँ, आप लोग को दिखा रहा हूँ कैसा घाट तैयार हुआ है अपने रामगढ़ कैंट में। ये है गाइस अपने बिजुलिया तालाब को घाट, सारा कुछ तैयारी चल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी किया हुआ है होटल मिलन का। तो गाइस चलो चलते हैं थोड़ा तालाब के अंदर और दिखाते हैं आप लोगों को। कैसे भैया, थोड़ा तालाब का शूट करना है, कर ले आते राउंड मार के, ठीक है? हाँ, एक बना देना। हाँ थोड़ा दिखा रहे कौन कौन सा घाट बना है, क्या बना है, ठीक है अंकित भैया? ठीक है, कोशिश करेंगे। हाँ उस टाइम बैठा देंगे, मार ले। ठीक, आते राउंड मार के, ठीक है? तो ये हमारे तालाब रोड के सब कमेटी मेंबर्स थे जो कि इस तालाब को सुंदर बनाने में काम कर रहे हैं, और बाकी आप देख सकते हो कितना अच्छा लाइट वगैरह से व्यवस्था किया हुआ है। जितने भी यहाँ पर जो लोग मेन मेंबर्स हैं, जो लोग ये घाट में हेल्प कर रहे हैं बनाने में, उन लोग सबका फ़ोटो वगैरह यहाँ बैनर के थ्रू दिया हुआ है। और देख लो भाई लोग यहाँ पर घाट वाट बनाने में पूरा मेहनत कर रहे हैं, जुटे हुए हैं भाई लोग, अच्छा लगता है गाइस। मेरे को सबसे बेस्ट तालाब ही लगता है। और यहाँ पर कुणाल भैया ने मुझे बुलाया शाम में कि तुम आकर शूट कर लेना एक बार तालाब पर, तुमको बोट में बैठा दिया जाएगा और तुम तालाब के बीच से पूरा शूट कर पाओगे। तो ये चीज़ सुनकर काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी हेल्पफुल है यहाँ के जितने भी हमारे भाई लोग हैं। और यहाँ साइड में भी लाइट लगाया हुआ है, और एक एंट्रेंस जो है वो मेन गेट था, और एक एंट्रेंस आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से है। बाकी आप देख सकते हो घाट को कितना काफ़ी सुंदर किया गया है गाइस, अभी भी लोग लगे हुए हैं मेहनत कर रहे हैं पूरा घाट बनाने में। और लकड़ी दे दिया गया है साइड में, बांस दे दिया गया है, जिससे कि उसके आगे लोग ना जाएं क्योंकि तालाब काफ़ी गहरा है। और इधर पे नहीं दिया हुआ है, घाट नहीं बना है क्योंकि इधर काफ़ी थोड़ा सा झाड़ी वगैरह टाइप का था और काफ़ी गहरा है अंदर में तालाब, इसलिए वहीं तक घाट को रखा गया है। बाकी हम लोग पूरा तालाब का एक राउंड मार ही ले रहे हैं। तो गाइज़ ये है अपने बिजुलिया तालाब का घाट, यहाँ पर शाम में आपकी मम्मी, बहन, नानी, दादी सब लोग आके छठ पूजा करेंगी। और इसके बाद हम लोग अभी चलेंगे रामगढ़ कैंट का जो सबसे मेन दामोदर रिवर वाला घाट बनता है वहाँ पर चलेंगे, क्योंकि जितने भी अपने रामगढ़ कैंट के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहीं पर आते हैं दामोदर रिवर में ही। तो वहाँ का भी घाट आपको दिखाते हैं कैसा है, और साथ में रामगढ़ का मार्केट भी आज दिखाते हैं किस टाइप का मार्केट लगा हुआ है, क्योंकि मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा। और यहाँ से निकलते हैं अब और उधर का घाट आपको चेकआउट कराते हैं कैसा बना है। बाकी मुझे जो है बिजुलिया तालाब का घाट सबसे बेस्ट लगता है, और देख सकते हो यहाँ भी लाइट वगैरह लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर छठ घाट नहीं बनता है, थोड़ा सा आगे से बनेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाउन है यहाँ पर। वैसे शाम में जब भीड़ होता है ना तो लोग क्या करते हैं कि मजबूरी में कोई जगह नहीं मिलता है तो वो लोग को ये सब जगह भी आना ही पड़ता है, इतना भीड़ ही हो जाता है। तो उसका भी व्यवस्था किया जाएगा शाम होते होते, वो भी घाट तैयार किया ही जाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी यहाँ पर पूरा तैयारी है, छठ घाट बना हुआ है। और यहाँ पर जितने भी हमारे भाई लोग हैं जो इस घाट को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, वो लोगों का फ़ोटो वगैरह लगा हुआ है सारे लोग का। कुणाल गुप्ता, कुणाल भैया, कुणाल भैया जाते हैं, ठीक है, आएंगे सामने। और हम लोग अभी बिजुलिया तालाब से निकलकर मेन रोड की तरफ चल रहे हैं, मेन रोड का मार्केट देखते हुए दामोदर रिवर चलेंगे। गाइस यहाँ पर देख सकते हो मार्केट कितना अच्छा सजा हुआ है, सब जगह गन्ना बिक रहा है क्योंकि छठ पूजा में गन्ना लोग ले जाते हैं। और मार्केट देखो कितना अच्छा लग रहा है गाइस, छठ पूजा का मार्केट ही का अलग वाइब्स होता है। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग के घर पे छठ पूजा किस घाट पे हुआ, दामोदर, बिजुलिया तालाब, हरहरी नदी, और भी छोटे छोटे घाट हैं तो वो सबको कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, जो मेन घाट बनता है वो सब आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है रामगढ़ के मार्केट में, पूरा जितना भी फल दुकान है सबको सजा दिया गया है, और बाहर में आप
फल खरीदने के लिए लोगों का भीड़ देख सकते हो। आज तो फल का रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, ये तो होना ही है, जाम वाम लगना ही है थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा भीड़ है मार्केट में आज। फिर भी कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी निकलने का इस भीड़ से। तो अभी तो गाइस सुबह का 9:30 हो रहा है, 9:30 से 10 के बीच हो रहा है, और अभी इतना ज़्यादा भीड़ है, तो लगभग 12 बजे के लगभग पे और भी भीड़ जो होगा एकदम पिक पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद भीड़ ख़त्म होने लगेगा, क्योंकि फिर लोग घाट पे जाने का तैयारी करने लगते हैं। तो अच्छा लगता है जब इस टाइप का कोई माहौल बनता है छठ पूजा का, लोग मार्केट में निकलते हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम से ही उतने अच्छे से छठ पूजा या कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा था, तो अब किया जा रहा है, तो ये देखकर अच्छा लग रहा है। और देखो कितना अच्छा सजाया गया है गाइस, यहाँ पर सब जगह आपको गन्ना, केला, सेब, इस टाइप का फल देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग जो हैं सुभाष चौक पे हैं, रामगढ़ के सुभाष चौक, और चौक का नज़ारा कुछ इस तरह का है, देख सकते हो उधर साइड में भी पूरा गन्ना रखा हुआ है। और ये सुभाष चौक हो गया, आज कोई चेकिंग नहीं है, आज चेकिंग होना भी नहीं चाहिए यार। तो चलो सुभाष चौक से पार होते हुए हम लोग जाएंगे थाना चौक, और थाना चौक से दामोदर घाट जो बना हुआ है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि वही जो घाट है सबसे बड़ा घाट है रामगढ़ का, और वहीं पर सबसे ज़्यादा भीड़ लगता है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं थाना चौक में, और ये थाना चौक आप देख सकते हो, और यहीं से जो है अपना दामोदर रिवर के लिए घाट मुड़ जाता है। यहाँ से अपने को राइट ले लेना है, और देखो यहाँ पे एंट्रेंस बना हुआ है कितना प्यारा सा, अभी काम चल ही रहा है, जो कि पूरी तरीके से सजा दिया जाएगा, कितना सुंदर लगेगा। ये व्यू देखो आप, यहाँ से जो सीधा जाएगा ना, ये व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर भी जो काम कर रहे हैं ना अपने विकास नगर के भाई लोग ही काम कर रहे हैं, जो टेंट हाउस वाले लोग हैं वही लोग काम कर रहे हैं सजावट करने वाले। चलो हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे, और देखो कितना अच्छा सजाया गया है गाइस, जब लाइट जलेगा ना रात में कितना प्यारा लगेगा, पूरा लाइट से वहाँ से लेके एंट्रेंस से लेके पूरा लगता है लास्ट तक लगाया हुआ होगा, काफ़ी बढ़िया लग रहा है गाइस, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर सजावट जो किया हुआ है ना काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो वहीं तक था जो था सजावट, अभी यहाँ से तो नहीं लग रहा है किया हुआ है, बट हो सकता है शाम होते होते कर दिया जाए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दामोदर घाट के पास, यहाँ पर एक स्टेज बनाया हुआ है जहाँ पर कुछ प्रोग्राम किया जाएगा, और बाकी यहाँ से अपने को नीचे उतरना है घाट पर। देख सकते हो यहाँ पर भी काम चल ही रहा है अभी घाट का, तो बच्चों के लिए यहाँ पर देख सकते हो आप झूला वगैरह भी लगाया गया है, नाव वाला झूला, ये ट्रैम्पलिन लगाया गया है उधर, उसके ट्रैम्पलिन के आगे बच्चों लोग के लिए कार वाला लगाया हुआ है जिससे बच्चे बैठकर घूमते हैं। तो थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं कैसा घाट बना है। तो हम लोग गाड़ी को ना कहीं पार्क करते हैं पहले, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको, यहीं पर पार्क करते हैं, और यहाँ से आप दामोदर पुल को देख सकते हो। तो गाइज उधर से भी लोग आते हैं पूजा करने के लिए, उधर भी तैयारी चल रहा है देख सकते हो आप, तो उधर जाना पॉसिबल नहीं होगा, जो मेन घाट है वो आपको दिखाते हैं। तो चलो थोड़ा आगे की ओर चलते हैं, और यहाँ पर भी जैसे भी चलाया जा रहा है जिससे कि घाट को पूरा प्लेन किया जाए, क्योंकि किसी भी माता बहन को दिक्कत ना हो यहाँ पर बैठने में, या फैमिली को दिक्कत ना हो। तो गाइस छठ पूजा के टाइम पे काफ़ी मेहनत किया जाता है सोशल वर्कर के द्वारा, जो लोग ये सब में एकजुट होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो आप झूले भी रखे गए हैं बच्चों के लिए, यहाँ पर नाव वाला झूला लगाया गया है। और देख लो घाट कैसा बना है, पूरा वहाँ तक घाट को बनाया गया है दूर तक, देख सकते हो आप घाट कितना सुंदर लग रहा है गाइस। शाम में तो इस घाट का माहौल ही कुछ और होने वाला है, काफ़ी प्यारा लगने वाला है। और यहाँ पर एक भाई आया है मिलने के लिए, हाँ भाई यूट्यूब बनाते हैं, क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा मोटो ब्लॉग रिशु के नाम से चैनल हुआ, तुम्हारा क्या नाम हुआ? अच्छा कहाँ से कहाँ रहने वाले हो? ये
नैरो रोड में। हाँ भाई यूट्यूब तो करते हैं, सब्सक्राइब कर। मोटो ब्लॉग रिशु के नाम से होगा। हाँ यही वाला है, देखना वीडियो, हो सकता है आज शाम तक छठ का वीडियो आएगा, मतलब घाट का वीडियो आएगा। और बाकी तुम लोग घर में छठ वट हो रहा है? तो एक छोटा सा भाई मिला है, क्या नाम हुआ? अंकित मिला है, जो कि अभी मेरे को मिलने आया यहाँ पर और मेरे से बातचीत किया, तो काफ़ी अच्छा लगा भाई मिलकर। ऐसे कोई आगे पूछता है ना कि यूट्यूब करते हो, तो काफ़ी एक अच्छा लगता है कि लोग देखते हैं आपको जब आप ऐसे वीडियो शूट करने निकलते हो। तो ठीक है, अंकित का क्लिप जरूर आएगा अपने वीडियो में गाइज। बाकी ठीक है, एंजॉय करो, ठीक है, मिलते हैं। तो चलो दोस्तों, अब यहाँ से निकलते हैं अपने ब्लैक परी पे, मतलब ब्लैक परा पे, नॉट ब्लैक परी, ब्लैक परा। काफ़ी बढ़िया लगा यहाँ पर सारे घाट घूमकर, और अब यहाँ से निकलते हैं। सो गाइज, अब अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। घाट मैंने घूम लिया, जितना भी घाट रामगढ़ में था, जितना पॉसिबल हो पाया उतना तो घूम ही लिया, जो मेन घाट बनता है। बाकी अगर पॉसिबल हो पाया तो ज़रूर से एक बार शाम में आकर राउंड मारेंगे सारे घाट का, अगर पॉसिबल हो पाया तो, और नहीं पॉसिबल हो पाया तो वीडियो कहीं पर क्लोज़ करेंगे। अगर वीडियो इतना सा भी अच्छा लगा होगा इस, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना, और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना कि आप लोग के घर पर कहाँ पर किस घाट पर पूजा किया गया। ठीक है, ये कमेंट करके ज़रूर से बताना गाइस। वीडियो को क्लोज कर रहे हैं रामगढ़ का मार्केट घूमते हुए, अब घर की तरफ निकलेंगे। बाय बाय गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल मोटो ब्लॉग रिशु। जल्दी से 1 लाख करना है गाइस। बाय।